सहारनपुर रेलवे स्टेशन परिसर में एनपीएस के विरोध में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने भूख हड़ताल एवं उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने किया अनशन। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए एवं एनपीएस को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा, हमारा ये धरना प्रदर्शन अनशन 11 जनवरी तक चलेगा और अगर जल्द ही केंद्र सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम आगे हड़ताल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। धरना प्रदर्शन साहब 8 तारीख से 11 तारीख तक ये हाईकमान के एनजीसीए के सौजन्य से उनके आह्वान पर ये हुआ है कि 8 से 11 तक भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे हैं सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। और आज दूसरा दिन है, ओपीएस लागू करने का मेन मुद्दा है, ओपीएस लागू की जाए, एनपीएस को रद्द किया जाए, ये हमारा मेन मुद्दा है। बाकी जो हमारा डीए फ्रीज हुआ था उस डीए को वापस बहाल करके उसका एरियर के भुगतान का या उसमें वेज कमेटी बैठाई जाए, ये 8वें वेतन आयोग के लिए भी ये धरना प्रदर्शन है। और अगर इस धरना प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन शासन केंद्र सरकार नहीं चेतती तो जो आदेश हमें ऊपर से मिलेंगे उसके हिसाब से अगर हमें हड़ताल भी करनी पड़ेगी तो हम हड़ताल भी करेंगे। सहारनपुर के मुन्नालाल और जय नारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज में उत्तर प्रदेश सरकार की वर्ष 2021-22 के महत्वाकांक्षी योजना स्वामी विवेकानंद डिजी शक्ति का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु बीए फाइनल की छात्राओं को मुख्य अतिथि विधायक राजीव गुंबर एवं महापौर डॉ. अजय कुमार सिंह ने स्मार्टफोन का वितरण किया। स्मार्टफोन पाकर छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। आज सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु स्मार्टफोन वितरण के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे महापौर आदरणीय बड़े भाई साहब डॉक्टर अजय कुमार जी, सम्मानित हमारे प्रधानाचार्य, गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सहारनपुर महानगर की प्रसिद्ध पंजाबी सामाजिक संस्था द्वारा लोहड़ी मिलन का भव्य आयोजन किया, जिसमें सर्वप्रथम परंपरानुसार लोहड़ी के रस्म अदा करके सभी ने मिलकर लोहड़ी का गीत सुंदर मुंदरिय गीत गाकर एक दूसरे को मूंगफली रेवड़ी और पॉपकॉर्न वितरित किए। फिर समिति द्वारा प्रसिद्ध समाजसेवी सरदार तेजपाल सिंह एवं प्रसिद्ध एक्टर मॉडल विश्व भारती को संयुक्त रूप से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पंजाबी एकता समिति के अध्यक्ष एमपी सिंह चावला ने सभी को लोहड़ी की लख लख बधाई दी। उन्होंने नेशनल लेवल में मॉडलिंग में खिताब जीता है, इसकी मैं आपको डिटेल कल आपको भेजूंगा सबको, पहले एक दो बार मैंने ग्रुप में भेज दिया क्योंकि जब तक पता ना हो आदमी देखता नहीं है, तो हमारा फर्ज बनता है अगर हम पंजाबी समाज को लीड कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि पंजाबी समाज में अगर आगे जाता है तो उसको हम प्रोत्साहित करें ताकि आगे जाके बढ़े, क्योंकि इन इस तरह की चीजों में क्या होता है कि आजकल ऑनलाइन लाइक्स भी करना होता है। सहारनपुर में आगामी 25 फरवरी को शब-ए-बारात को देखते हुए पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के नेतृत्व में पार्षदों का दल मेयर डॉक्टर अजय सिंह और नगर आयुक्त गजल भारद्वाज से मिला। मंसूर बदर ने बताया कि इस पवित्र रात में मुस्लिम समुदाय के लोग अपने परिजनों की कब्रों पर फातिया देने और मस्जिद मदरसों में इबादत के लिए जाते हैं। नगर निगम सहारनपुर का अपना कब्रिस्तान अंबाला रोड पर दबनी वाला है, इसमें ऊंची ऊंची झाड़ियां घास हो रही है जिसकी वजह से जब लोग अपने परिजन को यहां दफनाने आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। शब-ए-बारात से पहले इस कब्रिस्तान और नगर और 32 गांवों के कब्रिस्तानों में साफ सफाई झाड़ी कटान स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था पूरी हो जाए। आज नगर आयुक्त महोदय से और मेयर साहब से तमाम पार्षद साथी इसलिए मिलने के लिए आए कि 25 फरवरी को शब-ए-बारात है और उसकी तैयारियों के लिए 25 फरवरी से पहले तमाम कब्रिस्तान मदारिस मस्जिदों के आसपास विशेष सफाई, खासकर अम्बाला रोड दबनी वाला कब्रिस्तान और तमाम नगर के और 32 वार्डों के कब्रिस्तानों के में जहां जहां सफाई की व्यवस्था, झाड़ झंकार कटाव की व्यवस्था, मिट्टी भराव की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था या अन्य जो व्यवस्था है उस व्यवस्थाओं को पहले ही 1.5-2 महीने पहले अमली जामा पहना लिया जाए, उस व्यवस्था के लिए तमाम पार्षद साथी आए हैं। मैडम ने
हमें आश्वस्त किया है कि 25 तारीख से पहले पहले जिले के और 32 गांव के तमाम कब्रिस्तानों के जो नगर निगम की सीमा के अंदर है उनमें स्ट्रीट लाइट की और साफ सफाई की और पेयजल की व्यवस्था पहले से ही करा ली जाएगी। सहारनपुर की पैरामाउंट ट्यूलिप कॉलोनी में अयोध्या से पूजित अक्षत कलश का भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले कॉलोनी में श्री महादेव देवस्थानम ट्रस्ट के अध्यक्ष गोकरण दत्त शर्मा एडवोकेट एवं RWA के अध्यक्ष अमित शर्मा ने संघ परिवार के सदस्य विभाग प्रचारक परवीर ने धारण किया। बैंड बाजे के साथ सभी महिला पुरुष नाचते गाते श्री महादेव देव मंदिर पहुंचे और रास्ते में भक्तगण बारी बारी से कलश अपने सर पर धारण करते रहे।